हेलो गाइस, मैं हूँ पल्लवी और पल्लवीज़ कुकिंग कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बारिश का मौसम शुरू हो गया है और जब रिमझिम से बारिश आती है तो सबका मन करता है कि कुछ ना कुछ गर्मा गर्म चटपटा और क्रिस्पी खाने को मिले। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक बहुत आसान घर के सामग्री से बनने वाला और वो भी 3 से 4 चम्मच ऑयल में बनके तैयार होने वाला एकदम चटपटा सा मज़ेदार और क्रिस्पी नाश्ता लेकर आई है। तो चलिए गाइस, फटाफट हम रेसिपी के लिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, जो हम चपाती वगैरह बना के तैयार करते हैं वही आटा हमें लेना है। तो 1 कप हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, उसमें हम आधा चम्मच डालेंगे पिज्ज़ा मिक्स। अगर आपके पास में पिज़्ज़ा मिक्स नहीं है तो आप थोड़ा सा अजवाइन और ज़ीरा क्रश करके इसमें ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ में हमने इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और उसके बाद इन चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका एक एकदम पतला सा बैटर बना लेना है। एक ही बार हमें बहुत सारा पानी इसमें ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे मिलाते जाना है, क्योंकि ये गेहूं का आटा है और गेहूं के आटे में बहुत जल्दी लम्स पड़ जाती है, इसलिए पहले ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करते जाना है। हम एक ही बार पानी डाल देंगे तो इसमें बहुत सारे लम्स पड़ जाएंगे और फिर उसे तोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, एकदम पतली कंसिस्टेंसी, जिस तरह से हम डोसे बनाते हैं उससे भी थोड़ी पतली ही कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो बैटर है रेडी हो चुका है। तो इतना बैटर बनाने के लिए यहाँ पे लगभग मुझे 1 ग्लास पानी लगा है। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसे हम अभी रेस्ट के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम हमारे नाश्ते के लिए जो फिलिंग चाहिए वो बना लेंगे। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई। राई को अच्छी तरह से फूलने देंगे और उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे हींग। तो करीबन 1/4 चम्मच हमने इसमें हींग डाल दिया है। हींग को भी थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद में यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक डाला है, जिसे मैंने कद्दूकस करके डाला है। अगर आपके पास में पेस्ट हो तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो अदरक का कच्चापन दूर होने तक हम इसे भून लेंगे इस तरह से, और कुछ सेकंड तक भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे 2 हरी मिर्च थी जिसे मैंने फाइनली चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो हरी मिर्च की जगह आप लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में मैंने 10 से 12 कड़ी पत्ते, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। कुछ सेकेंड तक भूनने के बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने एकदम फाइनली चॉप कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसे भून लेंगे इस तरह से। कंटिन्यूसली चलाते हुए भून लीजिए, क्योंकि बहुत कम ऑयल में हम इसे बना रहे हैं ताकि जल ना जाए। तो इस तरह से हम इसे ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, ताकि जो प्याज है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, और मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमें इसे चलाते जाना है गाइस। बरसात के दिनों में सबका मन करता है कि कुछ क्रिस्पी, कुछ मज़ेदार चटपटा सा खाए, लेकिन ऑयल की वजह से हम उसे अवॉइड करते हैं। तो ये जो रेसिपी है एकदम कम ऑयल में बनने वाली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच हरे मटर फ्रेश वाले। अगर आपके पास में फ्रेश नहीं है, फ्रोज़न है, तो आप वो भी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी स्टेज पे इसमें कुछ सूखे मसाले जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दी है। उसी के साथ इसमें जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और ऐसे 1.5 से 2 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको कम तीखा चाहिए तो आप कम कर सकते हैं, या फिर आपको अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम फ्रेश हरा धनिया थोड़ा सा, फिर से इसे मिला लेंगे। बहुत ही चटपटा सा ये मसाला बन के तैयार होता है गाइस। आप पकोड़े और जो समोसे है वो खाना भूल जाएंगे, दोनों के टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए 2 आलू, जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो मैश करके भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकस किया तो कोई भी गठान नहीं रहती, और जब मैश करते हैं तो थोड़ी बहुत गठाने रह जाती है, इसलिए कद्दूकस किया तो ईजी पड़ जाता है। तो इस तरह से हम आलू को इन सारे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और मिला लेंगे अच्छी तरह से। फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे और एक बार फिर से मिला लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसे कुक कर लेंगे, और उसके बाद में जो हमारा फिलिंग है यहाँ पे बन चुका है। लेकिन इसे और चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आपके पास में अमचूर पाउडर नहीं है तो आप 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं, या फिर 1/2 चम्मच आप इसमें चाट मसाला भी मिक्स कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक हम इसे मिलाते जाएंगे और कुक कर लेंगे, और उसके बाद में जो है हमारा ये एकदम चटपटा वाला फिलिंग यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसे हम ठंडा करने के लिए रखेंगे।
अब हमने गैस पे रखा है डोसा बनाने वाला तवा। आप चाहे तो नॉर्मल कोई भी पैन या तवा इसके लिए ले सकते हैं। इसके ऊपर हम किचन नैपकिन पेपर से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा पानी छिड़केंगे। उसके बाद फिर से हम किचन नैपकिन पेपर से इसे साफ़ कर लेंगे ताकि जो तवे का टेम्परेचर है वो एकदम नॉर्मल रहे। अब हम गैस की फ्लेम एकदम लो रखेंगे और जो हमने गेहूं के आटे का बैटर बना के रखा था उसमें से एक चम्मच बैटर हम तवे के ऊपर डालेंगे। इसे बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसका जो बैटर है एकदम पतला बनाया है, इसलिए बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है, अपने आप ही फैल जाएगा। तो इस तरह से हमें डोसे की तरह इसका एक छोटा सा डोसा बना लेना है और इसके ऊपर रखना है हमें ढक्कन। तो 2 मिनट तक हमें इसे ढक के रखना है और फ्लेम जो है गैस की एकदम लो रखनी है। उसके बाद में हम इसे निकाल के देखेंगे। देखिए हमारा जो डोसा है यहाँ पे एकदम परफेक्ट बन चुका है। तो आप इसे डोसा कह सकते हैं या फिर आप इसे चीला भी कह सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे चीला बना लिया है, इसे ठंडा कर लेंगे और उसके बाद में जो हमने हमारे आलू वाला मसाला बना के रखा था उसे इस तरह से सेंटर में रखेंगे। जिस तरह से हम डोसे में फिलिंग भरते हैं उसी तरह से हमें इसे फिल करना है मसाले से। और उसके बाद में जो हमने गेहूं का बैटर बनाया था उसमें से 2 चम्मच बैटर मैंने बचा के रखा था, वो बैटर हम इस तरह से इसके किनारों पे लगा लेंगे ताकि इसके किनारे अच्छी तरह से चिपक जाए। और उसके बाद हमें इसका एक पॉकेट बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें एक साइड इसे लगाना है, उसके बाद में फिर से दूसरे साइड से इसे इस तरह से मोड़ना है और जो 2 साइड बच जाती है उसे भी हमें इस तरह से पॉकेट की शेप दे के चिपका लेना है गेहूँ के उसी बैटर से जिससे हमने बाकी की जो किनारा है उसे चिपकाया था। तो इस तरह से हमें इसे चिपका लेना है। ये देखिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट पॉकेट का शेप बन के तैयार हो गया है। इसे हम साइड में रखते हैं और इसी तरह से हमें सारे जो है पॉकेट्स बना लेने हैं। मैं आपको यहाँ पे और एक भर के दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने चीला बना लिया है और उसके बीचों बीच हमें ये आलू वाला मसाला रखना है इस तरह से। और उसके बाद में जो है इसके सारे साइड को हमें जो गेहूँ के आटे का बैटर है वो लगाना है इस तरह से उंगली से ताकि हमारे किनारे अच्छी तरह से चिपक जाए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और आपके फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए। और आपके अपने चैनल पल्लवीज़ कुकिंग कॉर्नर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी रेसिपी अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा भी पॉकेट इस तरह से फिल कर लिया है और इसी तरह से हमें सारे पॉकेट पहले बना लेने हैं। तो जो हमने प्रमाण लिया है उसमें इस तरह से 6 पॉकेट बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में हमने यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल डाला है। जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाता है तो जो हमने पॉकेट बना के रखे थे वो हम इसमें डालेंगे। तो हमें इसे एकदम शैलो फ्राई करने हैं। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और बरसात के दिनों में आप ऑयली खाना अवॉइड कर रहे हैं सिर्फ इसके वजह से कि ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए ये जो रेसिपी है एकदम कम ऑयल में बन के रेडी होती है, जो आपके खाने की जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएंगी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे आप शैलो फ्राई करें चाहे आप डीप फ्राई करें, बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरह से गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आया है। तो इसी तरह से हमें अलटते पलटते हुए इसे शैलो फ्राई कर लेना है और इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद हमें इसे निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, इसे कोई कह भी नहीं सकता कि हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। ये देखिए यहाँ पे आपका चटपटा सा मज़ेदार और एकदम क्रिस्पी वाला नाश्ता रेडी हो गया है। एकदम हेल्दी भी है और आपकी जो खाने की इच्छा है वो भी पूरी कर देगा। तो इस बरसात में जब रिमझिम सी बारिश आए तो इस तरह का नाश्ता आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे ऐसे ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।